जनवरी 4, 2001 की बात है। रात के 1:30 बजे पूरा नलबाड़ी शहर सर्दी की ठंडी लहर में लिपटा हुआ था। फिर नलबाड़ी पुलिस स्टेशन का फोन बजा। डिवीजन हलोई के घर में फायरिंग हो रही है, कृपया जल्दी आए। डिवीजन हलोई कौन है, उनके फैमिली को क्यों अटैक किया गया और अपराधी पकड़ा गया कि नहीं गया, ये सब आप लोगों को आज के वीडियो में पता चलेगा। देखिए, ये जो सीक्रेट किलिंग्स का एपिसोड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं माय ओनली इंटेंशन कि आज के जनरेशन को इस ब्लैक हिस्ट्री के बारे में पता चले। ये जो ब्लैक हिस्ट्री है ना, इसमें बहुत सारे इनोसेंट लोगों का जाने चली गई थी, जस्ट लाइक माय फादर लेट डिम्बर राजकुमार। तो ये जो इंसिडेंट्स है, ये जो स्टोरीज है, तो ये मैं दिस बुक द सीक्रेट किलिंग्स ऑफ असम से आप लोगों को नैरेट करते हुए बता रहा हूँ, और साथ में थोड़ा सा अपना रिसर्च फ्रॉम द इंटरनेट एंड फ्रॉम द यूट्यूब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों ने मोस्टली अगर सुना है इस सीक्रेट किलिंग्स ऑफ असम या तो गुप्तो हत्या के बारे में, ये आप लोगों ने अपने दादाजी या तो आप अपने माँ बाप से सुना होगा। आप लोगों को कोई प्रॉपरली नहीं बताया था, किसी ने नहीं बताया था, तो मैंने इसीलिए ये सीरीज स्टार्ट किया है, सो दैट आप लोग इस ब्लैक हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पता चले। नमस्कार गाइस, माय नेम इज चाओ सुरेंग राजकुमार एंड वेलकम बैक टू वन एसएमएस गाइस चैनल। दिस इज द 9th एपिसोड ऑफ द सीक्रेट किलिंग्स ऑफ असम। इससे पहले मैंने 8 एपिसोड्स रिलीज किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज का जो इंट्रो है, व्हाई सीक्रेट किलिंग्स टुक प्लेस इन असम, इसको बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने फॉलोअर्स को बोल देता हूं कि आप लोग स्किप कर दीजिए, बट लास्ट एपिसोड से, एपिसोड 8 से, मैंने जो इंट्रो है व्हाई सीक्रेट किलिंग्स टुक प्लेस इन असम, इसका बहुत ही अच्छी तरह एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया है, या तो आप बोल सकते हो 2-4 माइंड फीलिंग वीडियोस भी दिया है। तो आप लोग अगर इसको देखोगे और अच्छी तरह समझ में आप लोगों को आएगा। पुराने वीडियो में मैंने अपना चेहरा दिखा के व्हाई सीक्रेट किलिंग्स टुक प्लेस इन असम उसके बारे में बताया था, बट इस वीडियो में मैंने अच्छी तरह ग्राफिकल एक प्रेजेंटेशन दिया है और थोड़ा सा वीडियोज भी मिला है, तो आप लोग देखोगे तो अच्छा लगेगा। स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो, वरना आप लोग देख सकते हो। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रो, व्हाई सीक्रेट किलिंग्स टुक प्लेस इन असम। दोस्तों, सीक्रेट किलिंग्स असम में क्यों हुए थे, जानने से पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा अल्फा कौन है। अल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, एक आर्म्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे लोग एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, और कुछ लोग अल्फा को रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। अल्फा फॉर्म हुआ था 7 अप्रैल 1979 में। अल्फा का डिमांड था एक सोवरेन असम, मतलब अल्फा को एक अलग देश चाहिए था। ओवर द ईयर्स अल्फा अलग अलग फ्रैक्शंस में डिवाइड हो गया। एक फैक्शंस को पीस टॉकर्स के नाम से जाना जाता है। पीस टॉकर्स गवर्नमेंट के साथ पीस अकॉर्ड साइन करने के लिए आगे आए। 29 दिसंबर 2023 को, पिछले साल, अल्फा और सरकार के बीच पीस अकॉर्ड साइन हुआ। अब जब डील साइन हो गई है तो पीस टॉकर्स अब नहीं है। व्हाट अबाउट द अदर फैक्शन ऑफ अल्फा? दूसरा फैक्शन ऑफ अल्फा, जिसे फैक्शन 1 के नाम से जाना जाता है, अभी भी एक्टिव है, और इस फैक्शन को परेश बरुआ लीड कर रहे हैं, मतलब परेश बरुआ फैक्शन 1 अल्फा के चीफ है। जब से अल्फा फॉर्म हुआ था 7 अप्रैल 1979 से आज तक, इन 45 ईयर्स में अल्फा में बहुत से मिलिटेंट्स थे जिन्होंने सरेंडर किया या तो आत्मसमर्पण किया। उनको सल्फा का नाम दिया गया, सरेंडर्ड यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। एज पर विकिपीडिया, द टोटल नंबर ऑफ अल्फा मिलिटेंट्स टू हैव लेड डाउन आर्म्स हैज गॉन अप टू 8,718। अगर मैं इस पैराग्राफ में इन नंबर्स को ऐड करता हूं और 2024 तक काउंट करता हूं, तो टोटल नंबर ऑफ सरेंडर्ड मिलिटेंट्स वुड बी ओवर 10,000, मतलब आज तक 10,000 से भी ऊपर अल्फा मिलिटेंट्स ने सरेंडर किया। सीक्रेट किलिंग्स असम में, जिसे गुप्त हत्या का नाम दिया गया था, स्टार्ट हुई थी इन मिड 1990s से अर्ली 2000s तक। जब सल्फा फॉर्म हुआ तो सल्फा और अल्फा के बीच एक अंडरग्राउंड वॉर चलना ही था। अब मैं कुछ लाइंस पढ़ने जा रहा हूँ फ्रॉम द बुक सीक्रेट किलिंग्स ऑफ असम से, कि कैसे सीक्रेट किलिंग्स फॉर्म हुई थी असम में। देयर आर 3 मेन रीजंस। फर्स्ट, अल्फा वॉज स्पेसिफिकली टारगेटिंग सल्फा मेंबर्स हु हैड सरेंडर्ड एंड ट्राइड टू सेटल डाउन टू न्यू एंड पीसफुल लाइव्स,
but the state never allowed them to have an easy way. They rather used them against Alpha, making them easy targets. The Salpha members were desperate to hit back as they had both the information about Alpha movements and, more importantly, illegal arms, which they never gave up. The state government exploited the situation and unleashed them, creating a Frankenstein which only returned to haunt the state. Secondly, Alpha was also targeting the grassroots leaders of AGP. There was no provocation and many of them were killed just because they were AGP members. This had angered AGP leadership and they were waiting for an opportunity to hit back. Thirdly, there was the pressure from the union government as well as the unified command structure to act decisively. All this led to a series of secret killings under the direct patronage of the then state government of Assam. इन शॉर्ट मैं आप लोगों को समझा देता हूँ. अल्फा के लीडर्स को पकड़ने के लिए या तो सरेंडर करवाने के लिए, पीस टॉक्स या तो मारने के लिए ही स्टेट गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी फोर्सेस और सल्फा का यूज किया बाय हैरेसिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग द रिलेटिव्स और क्लोज एक्वेंटेंसेस ऑफ अल्फा. ये एक रिवेंज किलिंग भी था बिकॉज अल्फा ने कुछ अखम गण परिषद एजीपी के लीडर्स को भी मार दिया था, सल्फा को भी टॉर्चर एंड मर्डर कर दिया था और ऊपर से यूनियन गवर्नमेंट से भी प्रेशर था टू डिसबैंड यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम. इन दिस प्रोसेस ऑफ डिसबैंडिंग या तो अल्फा को तोड़ने के लिए या तो इस रिवेंज किलिंग में मैक्सिमम इनोसेंट लोगों की जान गई. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर ढोरणी दास फैमिली जिनका भाई अल्फा में था मिथिंगा डोईमड़ी, माई लेट फादर डिम्बर राजकुवर हु वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ द एक्स अल्फा चेयरमैन औरबिंदो राजखुआ एंड मैनी सच इनोसेंट रिलेटिव्स एंड एक्वेंटेंसेस ऑफ अल्फा. इस सिस्टम को अल्फा के रिलेटिव्स या तो एक्वेंटेंसेस को मारने का, इसको गुप्त हत्या या तो सीक्रेट किलिंग्स ऑफ असम का नाम दिया गया. आई होप आप लोगों को ये नया वाला इंट्रो पार्ट अच्छा लगा होगा. इससे पुराने वाला जो था मैंने अपने चेहरा दिखा के बोला था, बट इसमें थोड़ा सा मैंने अच्छा बनाने की कोशिश किया है. कैसा लगा आप लोग मुझे अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा. तो आज की कहानी नरेट करते हैं. द्विजन हलुए रहने वाले थे नलबाड़ी डिस्ट्रिक्ट के. उनके घर में, उनके फैमिली में चार लोग कंसिस्ट करते थे. द्विजन हलुए, द्विजन हलुए के वाइफ भारती हलुए, उनकी बेटी बर्णाली हलुए एंड उनका बेटा अंकुर हलुए. भारती से याद आता है कि मेरे अपनी मम्मी का नाम याद आता है बिकॉज माई मॉम्स नेम वॉज ऑल्सो भारती गोगोई राजकुंवर, शी इज नो मोर. तो हाँ, तो इस नाम को मैं भूलूंगा नहीं इस इंसिडेंट में. तो उनके फैमिली में चार लोग कंसिस्ट करते थे. जनवरी 4, 2001 को उनके वहां पे दो और गेस्ट उनके वहां पे रहने के लिए आया था. एक द्विजन हलुए का नेफ्यू जिसका नाम है पुलेन हलुए, वो रहने के लिए आया हुआ था और अरूप तालुकदार जो द्विजन हलुए का एक फ्रेंड है वो रहने के लिए आया हुआ था. तो रात को 1 बजे द्विजन हलुए के चारों फैमिली मेंबर्स, द्विजन हलुए, उनके वाइफ, उनके दो बच्चे एक कमरे पे सो रहे थे. पुलेन जो उनका नेफ्यू है दूसरे कमरे पे सो रहा था और अरूप तालुकदार कहाँ पे सो रहा था वहां पे नहीं दिया, बट अरूप तालुकदार वॉज ऑल्सो इन दिस हाउस. तो आप लोगों ने अगर नोटिस किया है, आप लोगों ने अगर रियलाइज किया है, ये सब इंसिडेंट्स मोस्टली, सीक्रेट किलिंग्स का इंसिडेंट मोस्टली रात को हुआ था, मतलब अराउंड 11 टू सुबह के 5 बजे के बीच, सिवाय मेरे फादर का इंसिडेंट. मेरा पापा का इंसिडेंट हुआ था 6:45 PM को, यहाँ पे रात के 1 बजे को हुआ था. तो रात को 1 बजे जब द्विजन हलुए अपने रूम पे सो रहे थे, मतलब सब अपने फैमिली मेंबर्स सो रहे थे, कुछ लोग उनके घर के प्रीमिसेस में एंटर करते हैं मोटरसाइकिल्स में. मोटरसाइकिल्स का आवाज सुनकर घर वाले जाग जाते हैं. फिर आपस में ही जो बाहर लोग रहते हैं, आपस में बात, जो हलचल मचती है बाहर, वो सब सुन के घर वाले अनुमान लगाते हैं कि कम से कम 10-12 लोग तो है. फिर जल्द ही एक उनमें से एक बाहर जो है उनमें से एक दरवाजा नॉक करना शुरू करता है और जोर से चिल्ला के बोलता है द्विजन दा दरवाजा खुलोक, मतलब द्विजन दा दरवाजा खोलो. द्विजन दा बोला है, आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा. जब कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है उन लोगों को, तो वो लोग जोर से दरवाजे पे बैंग करना शुरू करता है. पहले तो नॉक नॉक नॉक, फिर बाद में बैंग करना शुरू करता है. भारती, द्विजन हलुए का वाइफ, ने घर के अंदर से बोला कि द्विजन दा घर पे नहीं है, बट उन लोगों को भरोसा नहीं हुआ. फिर उन लोगों ने घर के दरवाजा तोड़ के अंदर आ गया. जैसे ही अंदर आया, उन लोगों को सबसे पहले पुलेन मिला, मतलब द्विजन हलुए का नेफ्यू. तो उनसे पूछा कि
ड्यूजन हॉलवे कहाँ है, वो डर के मारे ऑब्वियसली बता दिया कि ड्यूजन हॉलवे का रूम कुछ इस तरफ है। तो ऑब्वियसली उस टाइम तक ये जो बाहर हलचल मच रहा था तो ड्यूजन हॉलवे ये सब सुन के ऑलरेडी घबरा गए थे, और बाय द टाइम ये गैंग अंदर आए वो बिस्तर के नीचे छुप गया। तब गैंग ने इधर उधर ढूंढना शुरू किया, घर में तोड़ फोड़ करना शुरू किया, और फाइनली ड्यूजन हॉलवे को ढूंढ के निकाला बिस्तर के नीचे से एंड उनको वहीं पे शूट करना शुरू किया। फिर उन्होंने पुलेन हॉलवे के ऊपर गोली चलाया एंड गोली चला के वो लोग घर से बाहर चले ही गए थे, बट फिर से उन लोगों को याद आया कि घर पे एक और पुरुष है, तो वो लोग वापस आए एंड औरूप तालुकदार जो उनके घर में मेहमान थे रहने के लिए आया हुआ था उनको गोली चला के वो लोग बाहर चले गए। तो घर में जो फैमिली मेंबर्स, जो बचे हुए फैमिली मेंबर्स थे, भारती हलोई, उनकी बेटी बोनाली एंड उनका बेटा अंकुर ने हल्ला मचाना शुरू किया। हल्ला सुन के उनके पड़ोस में रजनीकांत हलोई करके एक इंसान रहते थे वो दौड़ दौड़ के अंदर उनके घर के अंदर आया और बिस्तर के नीचे से ड्यूजन हलोई का डेड बॉडी खींच के निकाला। माखन हलोई, वन ऑफ द नेबर्स ऑफ ड्यूजन हलोई, उन्होंने इमीडिएटली नॉलबड़ी पुलिस स्टेशन में फोन लगाया और कहा देयर इज अ फायरिंग एट द रेसिडेंस ऑफ ड्यूजन हॉलवे, प्लीज कम फास्ट। पुलिस स्टेशन का ओसी ने इमीडिएटली केस रजिस्टर किया एक जनरल डायरी पे एंड जो सब इंस्पेक्टर है इस उसी थाने का उसको इमीडिएटली एक्शन लेने का ऑर्डर दिया। सब इंस्पेक्टर इमीडिएटली क्राइम स्पॉट पे पहुंचे, मतलब बहुत ठंडा था जनवरी के टाइम पे, उसी टाइम मतलब जिस टाइम ये इंसिडेंट हुआ ऑलमोस्ट 1:30 एंड 2 बजे के बीच में पुलिस क्राइम स्पॉट में वहां पे पहुंची। अब सबसे शॉकिंग चीज क्या है पता है यहाँ पे, ये जो पुलिस स्टेशन और ड्यूजन हॉलो का घर था डिस्टेंस खाली 1 किलोमीटर था। जैसे ही पुलिस क्राइम स्पॉट पे पहुंचा उन्होंने देखा ड्यूजन हॉलो का बॉडी फ्लोर में पूरा ब्लड से लटपट होके वहां पे गिरा हुआ था। उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए, मतलब जो सब इंस्पेक्टर थे उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए उन्होंने इमीडिएटली जो फोटोग्राफर्स थे उनको बुलाया और डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट किया। उस गांव में इंडियन आर्मी का एक बटालियन भी वहां पे पोस्टेड था, तो क्राइम स्पॉट पे वो भी इंडियन आर्मी भी क्राइम स्पॉट में आके पहुंचे। ये जो इंसिडेंट हुआ था 1:30 एंड 2 बजे के बीच में जब किलर्स चले गए थे, जो तीन बॉडीज ड्यूजन हॉलवे का, पुलेन हॉलवे का एंड औरूप तालुकदार का, उनके बॉडीज को इमीडिएटली आफ्टर द किलर चले जाने के बाद गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। अब ड्यूजन हॉलवे का ऑन स्पॉट डेथ हो गया था, पर ऑन द वे पुलेन हॉलवे कुड नॉट मेक इट, मतलब रास्ते में ही पुलेन हॉलवे का डेथ हो गया था। ओनली पर्सन हु रीच्ड अलाइव टू द हॉस्पिटल वॉज औरूप तालुकदार। अब ये मुझे पता नहीं कि औरूप तालुकदार आज के दिन में जिंदा है कि नहीं है, ये रिपोर्ट यहाँ पे नहीं बताया गया है, या तो औरूप तालुकदार का ट्रीटमेंट होके वो मतलब बच गए कुछ उसका खबर नहीं है, बट ये बताया गया है कि औरूप तालुकदार एक थे जो हॉस्पिटल तक अलाइव पहुंचे थे, उसके बाद उनका कोई खबर नहीं है। फिर सुबह 6 बजे रजनीकांत हॉलवे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां पे एक कंप्लेन रजिस्टर करते हैं। सो ये था इंसिडेंट के दिन क्या हुआ था। अब मैं आप लोगों को पुलिस का इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा बता देता हूं। पुलिस ने क्राइम स्पॉट में जितने भी लोग मिले थे आफ्टर द इंसिडेंट उन सबको इंटरोगेट किया। रजनीकांत हॉलवे ही फाइल्ड द केस। बापन हॉलवे द फर्स्ट इन्फॉर्म्ड नेबर माखन हॉलवे अबाउट द इंसिडेंट। सबिन दास, अनिल हॉलवे, माखन हॉलवे ही मेड द फर्स्ट कॉल टू द पुलिस स्टेशन एंड भारती हॉलवे ड्यूजेंस वाइफ। गांव में उस टाइम पे एक डिफेंस फोर्स भी पोस्टेड था, उनको भी इंटरोगेट किया और साथ में कुछ अल्फा लीडर्स को भी इंटरोगेट किया। इंटरोगेशन के दौरान रजनीकांत हॉलवे ने बोला कि जो किलर्स आए थे वो 5 से 6 लोग थे और सबका मुंह ढका हुआ था, सबका फेस ढका हुआ था। इंटरेस्टिंगली एक दिन पहले एक अनआइडेंटिफाइड किलर ने अविनाश बोडोलोई करके एक व्यक्ति का हत्या कर दिया था। अविनाश बोडोलोई एक साल्फा का लीडर था, तो ये पुलिस के अनुसार मतलब अकॉर्डिंग टू द पुलिस अविनाश बोडोलोई की हत्या के बाद साल्फा में काफी पैनिक क्रिएट हुआ, तो साल्फा अपनी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए पुलिस के कैंप में जाके आश्रय लिया। सो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से साल्फा का इस केस से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये पुलिस ने बताया, बल्कि पुलिस ने ये बताया कि इसमें अल्फा का हाथ हो सकता है।
अब किताब में क्या लिखा है थोड़ा सा मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं। बट द फैक्ट रिमेन्स दैट ड्यूजन हलोई वॉज मोस्ट प्रोबेबली किल्ड एज अ रिवेंज किलिंग ऑफ अविनाश बोर्डोले एंड पुलिस ट्राइड इट्स बेस्ट टू गिव अ कलर। जैसे कि पहले पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने बताया, इंट्रोगेट जितने भी लोगों को किया, सल्फा को किया, उनके हिसाब से सल्फा वहां पे इन्वॉल्व नहीं थे, बिकॉज अविनाश बोर्डोले का जब डेथ हुआ था तब सल्फा सब पैनिक करके पुलिस के कैंप में आश्रय लिया था, तो पुलिस का वो कहना था। बट यहां पे इंक्वायरी कमीशन ने ये बताया है कि ड्यूजन हलोई का फैक्ट रिमेन्स दैट ड्यूजन हलोई का डेथ हुआ था बिकॉज अविनाश बोर्डोले का डेथ का बदला लेने के लिए ड्यूजन हलोई को मार दिया गया, एंड पुलिस ने इसको एक दूसरा कलर दिखाया, मतलब अविनाश बोर्डोले का नहीं बट दूसरा कलर दिखाने की कोशिश किया। नाउ देखिए, जस्ट बिकॉज अविनाश बोर्डोले का डेथ हो गया था, हत्या हो गया था, उसके बदला लेने के लिए ड्यूजन हलोई को मार दिया गया, यही है या कोई और भी कनेक्शन है? नाउ देखिए, अविनाश बोर्डोले को किसने मारा किसी को पता नहीं चला, ड्यूजन हलोई को जस्ट बिकॉज अविनाश बोर्डोले का हत्या का बदला लेने के लिए किया गया या किस लिए किया गया, ये खाली एक ही व्यक्ति इसका आंसर, एटलीस्ट आइडिया था उनको, वो थी ड्यूजन हलोई का वाइफ भारोटी हलोई। भारोटी हलोई ने बताया कि उनके हस्बैंड का डेथ का रीजन राजू बोरुआ है। नाउ हु इज राजू बोरुआ? चलो आप लोगों को बताते हैं राजू बोरुआ कौन है। राजू बोरुआ रियल नेम हितेश कोलिता एलायस अनीश अहमद, अल्फा का डेप्यूटी कमांडर इन चीफ, द चीफ ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, मिलिट्री स्पोक्सपर्सन थे। बट वो खाली अल्फा ही थे या तो इस फैमिली के साथ कुछ रिलेशन था? राजू बोरुआ भारोटी हलोई का सगा भाई था, मतलब भारोटी हलोई उनकी बड़ी बहन थी। नाउ इस यहां पे विकिपीडिया में लिखा गया है इज है बोल के लिखा गया है, बट राजू बोरुआ ये सब पोजीशंस, ये सब डेजिग्नेशन होल्ड नहीं करता है अभी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया ऑन December 4, 2009 बोरुआ विद द आउटफिट्स चेयरमैन अरविंद राजखवा अलॉन्ग विद 8 अदर्स सरेंडर्ड बिफोर द इंडियन अथॉरिटी नियर द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर इन मेघालय। They were said to be taken into custody by the border security force the moment when they crossed the border near Dauki in Meghalaya's East Khasi Hills. Now, ये थोड़ा सा contradictory है, because according to Raju Borua, he with Rajkua rubbished police claims that they had surrendered. मतलब उन्होंने surrender नहीं किया था, but इससे पहले वाले paragraph में बताया था कि वो लोग surrender किया, but उन्होंने surrender नहीं किया है। अकॉर्डिंग टू राजखवा उन्होंने, अरविंद राजखवा उन्होंने बताया कि सरेंडर नहीं किया। दे इमर्ज्ड एज हीरोज अमंग द क्राउड फॉर द डिनाइल ऑफ सरेंडर। दे गॉट द बिगेस्ट बूस्ट व्हेन पब्लिक एनकरेज्ड देम नॉट टू सरेंडर शाउटिंग सरेंडर नकरिबो, डू नॉट सरेंडर, मय सरेंडर करा नाय आरु सरेंडर नकरु, आई हैव नॉट सरेंडर्ड एंड विल नॉट सरेंडर, सेड बोरुआ टू द क्राउड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए, इससे पहले वाले पैराग्राफ में बताया गया है कि December 4, 2009 में राजू बोरुआ और अरविंद राजखवा उनके साथ 8 और लोग थे जिन्होंने सरेंडर किया था। बोला गया है कि उन्होंने सरेंडर किया इंडियन अथॉरिटी के आगे, वो बांग्लादेश डॉकी में जो रिवर है ना, तो इस खासी हिल्स के उस तरफ से आके उन्होंने सरेंडर किया। बट राजू बोरुआ, मैंने इसलिए बोला ये कॉन्ट्राडिक्टरी है क्योंकि राजू बोरुआ ने बोला कि राजू बोरुआ वो चीज एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्होंने सरेंडर नहीं किया। अरविंद राजखवा ने ये बोला कि हम लोग एज अ हीरो लोगों के सामने आए एंड पुलिस ने हमें पकड़ा, बेसिकली दे हैव नॉट सरेंडर। एंड राजू बोरुआ ने अपने लोगों के, एसमिस लोगों के आगे बोला कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, और मैंने सरेंडर नहीं किया था और मैं सरेंडर नहीं करूंगा, और लोगों ने भी उनको सपोर्ट में बोला था कि आप सरेंडर मत कीजिएगा। तो ये था December 4, 2009 में जब वो पुलिस के आगे, पुलिस ने उनको पकड़ लिया था। एक साल 27 नवंबर 2010 में राजू बोरुआ को बेल मिल गया था और वो जेल से फ्री हो गए। 13 साल बाद अल्फा ने गवर्नमेंट के साथ एक पीस अकॉर्ड साइन किया, मतलब लास्ट ईयर हुआ था। तो उसके बाद ऑब्वियसली अल्फा का ये वाला जो फैक्शन था वो खत्म हो गया था, तो इसीलिए राजू बोरुआ इज, जो विकिपीडिया में लिखा है कि राजू बोरुआ इज द डेप्यूटी कमांडर इन चीफ नहीं है,
बल्कि वो जो डेजिग्नेशन होल्ड करते थे वो अब नहीं रहा। मैंने इसलिए बोला था क्योंकि वो अभी दे आर फ्री फ्रॉम एवरीथिंग, मतलब वो अल्फा से भी बाहर आ गए थे उसी टाइम आ गए थे, फिर उसके बाद गवर्नमेंट से पीस अकॉर्ड भी साइन कर लिया था। सो दे आर डूइंग द थिंग्स दैट दे हैव प्रोमिस्ड टू द गवर्नमेंट, पीस अकॉर्ड में जो साइन हुआ था वो चीज अभी कर रहे हैं। तो इसीलिए इज जो विकिपीडिया में लिखा है इसको वॉज बना देना चाहिए, दैट्स व्हाट आई बिलीव, एंड ये एडिट किया जा सकता है, वो अपडेट होता रहता है। नाउ दैट यू नो दैट राजू बड़ुआ कौन थे, वो एक अल्फा का टॉप लीडर थे एंड वो भारती हलोय का छोटा भाई था। इसीलिए भारती हलोय ने कहा कि डुजन हलोय का डेथ का रीजन्स, वन ऑफ द रीजन्स इज राजू बड़ुआ। इस इंसिडेंट के बाद जब ये इंसिडेंट हुआ, भारती हलोय के पास बहुत सारे जर्नलिस्ट गए थे इंटरव्यूज लेने के लिए, बट शी वॉज अनअवेयर कि ऐसा उन्होंने जो इंटरव्यूज में बताया वो कहीं पे भी पब्लिश नहीं हुआ, वो भारती हलोय ने कहा। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जो किलर्स आए थे उनको हत्या करने के लिए, डुजन फैमिली को हत्या करने के लिए, डुजन हलोय को डुजन दा हम लोग के असमीज में तो पता ही है, नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को पता है, बंगाली लोगों को पता है दादा, तो दा बड़े भाई को दादा दा बोलते हैं। तो जो किलर्स थे उन्होंने डुजन हलोय को डुजन दा बोला था और भारती हलोय को भारती बो हम लोग के असमीज में बो बोलते हैं, अदरवाइज इट्स भाभी, भारती बो कह के बुला रहा था। नाउ इससे ये इंडिकेट होता है कि किलर्स भारती हलोय एंड डुजन हलोय, मतलब बेसिकली डुजन हलोय के फैमिलीज को अच्छी तरह जानते थे। उसके बाद इंक्वायरी कमीशन ने क्या कहा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। जस्टिस के एन सकिया कमीशन ने, जैसे ही सब केसेस में होता है, सल्फा पे एलिगेशंस लगाया गया, पुलिस ने अपना रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी तरह से नहीं निभाया, जो क्राइम स्पॉट थे क्राइम स्पॉट में जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे उनको अच्छी तरह जांच नहीं किया गया, जो डॉग स्क्वाड यूज़ किया जाना था चाहिए था डॉग स्क्वाड को यूज़ नहीं किया गया, तो ये सब क्राइम जो हुआ था, ये सब जो इंसिडेंट हुआ था डुजन हलोय का एंड फैमिली का जो इंसिडेंट हुआ वो भी रात को 1 बजे के आसपास हुआ था, तो नॉर्मल जो सीक्रेट किलिंग्स का इंसिडेंट होता है तो उसी टाइम होता है, तो ये सब रिलेट किया, बट अल्टीमेटली कोई पकड़ा नहीं गया, कोई अरेस्ट नहीं हुआ एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस नहीं मिला। लास्टली गवर्नमेंट ने इस फैमिली को, हलोय के फैमिली को कोई कंडोलेंसेस मैसेज नहीं भेजा और कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस भी नहीं दिया, मतलब कोई कंपेंसेशन भी नहीं दिया। तो उसके बाद आई डोंट नो जस्टिस के एन सकिया ने कंपेंसेशन देने के लिए बोला कि नहीं बोला, इट्स नॉट रिटन हियर, आई होप उन लोगों को मिला हो एंड आई डोंट नो। आज के टाइम पे भारती हलोय, उनके दो बच्चे बर्णाली हलोय एंड अंकुर हलोय आज के दिन में जिंदा है कि नहीं है मुझे आइडिया नहीं है, आपके मैसेजेस थ्रू मुझे पता चलता है तो मुझे आप लोग बताइएगा। तो ये था वन ऑफ द सीक्रेट किलिंग्स ऑफ असम का इंसिडेंट्स डुजन हलोय एंड उनके फैमिली का। इनके एक तो फैमिली के लोग चला गया, एक उनका नेफ्यू का डेथ हो गया था और अरूप तालुकदार का, उनका फ्रेंड का डेथ हो गया था। तो बेसिकली किलर्स आए, जो भी यहाँ पे सीनियर लोग दिखे उनको मारा, थैंकफुली यहाँ पे भारती हलोय उनके दो बच्चे को नहीं मारा, एटलीस्ट वो लोग बच गए थे, आई डोंट नो आज के दिन में वो कहाँ पे। ओके गाइस, सो ये था डुजन हलोय का फैमिली का इंसिडेंट। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं सबको रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, अदर देन द नॉनसेंस मैसेजेस या तो बहुत ही जो सेंसिटिव मैसेजेस हैं मैं उनका रिप्लाई नहीं देता, और कुछ अगर ऐसे कमेंट्स हो जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है तो मैं उसका रिप्लाई नहीं करता। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ बिकॉज इन वीडियोज़ में मैं किसी को ब्लेम करना नहीं चाहता एंड किसी को ना ही मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, आई एम जस्ट नरेटिंग द स्टोरी सो डैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, आज के जनरेशन के बच्चे को पता चले, तो इसलिए मैं ये स्टोरीज आपके सामने ला रहा हूँ। मैं कुछ दिन के लिए घर से बाहर रहूँगा, तो जो लोग ट्रैवल वीडियोस के लिए वेट कर रहे थे उनको ट्रैवल वीडियोस देखने का फिर से
बेसिकली मैं ट्रेवल वीडियोस आपके सामने फिर से ला रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। एंड बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप वीडियो दो, जल्दी जल्दी वीडियो दो। कभी कभी अगर लेट हो जाता तो बुरा मत मानिएगा। मैं ट्रैवल वीडियोस अभी थोड़ी लाऊंगा और साथ में ये जो स्टोरी टेलिंग मैं कर रहा हूँ, जो क्राइम स्टोरीज मैं बता रहा हूँ, वो भी साइड बाय साइड लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जॉय आई होम।